आपने माइनक्राफ्ट की टॉप 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाली वीडियो में बहुत सपोर्ट दिखाया था एंड कमेंट्स में काफी लोग कह रहे थे कि भाई इसका पार्ट 2 बनाओ और GTA 5 के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताओ। तो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ GTA 5 में लोगों ने कितने सारे इनसेन वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रखे हैं एंड इवन GTA 5 ने खुद ने कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रखे हैं। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एंड नया जानने को मिलेगा आपको आज की वीडियो में। तो चलो शुरू करते, पर उससे पहले बटन दबा दो लाइक का एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आपको ये बात तो पता ही होगी कि GTA 5 वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गेम है ऑफ ऑल टाइम। इसने खूब पैसा कमाया है, मतलब एस्टिमेटेड है कि ये हर साल 6 बिलियन डॉलर्स तक की कमाई करता है, मतलब अराउंड 45,000 करोड़ रुपीस। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गेम ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रखे हैं। एक रिकॉर्ड है मोस्ट व्यूड ट्रेलर ऑफ एन एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम का, मतलब उस टाइम पे इस गेम का इकलौता ट्रेलर था जिसपे इतने सारे व्यूज आ गए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया। आज की डेट में उस ट्रेलर पे 78 मिलियन व्यूज है जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये सोचो कि ये ट्रेलर 2011 में डाला गया था एंड उस टाइम YouTube कितने कम लोग देखते होंगे। उस टाइम पे तो लाख में व्यूज आने बहुत बड़ी बात होगी, मिलियंस तो दूर की बात है। फिर भी इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी बरकरार है क्योंकि कोई और एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम अपने ट्रेलर पे इतने व्यूज नहीं ला पाया है। वैसे फनी बात यह है कि पहले ये गेम मोस्ट व्यू ट्रेलर का रिकॉर्ड बनाता था और आजकल ये मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर का रिकॉर्ड बनाता है, क्योंकि GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहांस का ट्रेलर प्लेस्टेशन एंड रॉकस्टार गेम्स के चैनल का मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर है। आप सब लोग गेमर्स हो एंड आप में से बहुत से लोग गेमिंग यूट्यूबर्स भी बनना चाहते हो, तो अपने गेम प्लेस को इजीली हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करने के लिए एंड उनको एडिट करने के लिए आप वंडर शेयर डेमो क्रिएटर का यूज कर सकते हो। ये रिकॉर्डर एंड एडिटर का कॉम्बिनेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट टूल है। आपको सबसे पहले गेम मोड में जाना है, वहां पे अपना गेम सिलेक्ट करो। अगर गेम की ऑडियो चाहिए तो सिस्टम ऑडियो को ऑन रखो एंड अपने माइक की ऑडियो भी चाहिए तो माइक को सिलेक्ट कर लो। वेबकैम भी आप ऑन कर सकते हो अपने फेस के लिए, जिससे आप स्क्वायर क्रॉप कर लो या सर्कुलर क्रॉप कर लो। इवन अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तब भी इसमें फीचर है बैकग्राउंड रिमूव करने का, जिसे आप यूज कर सकते हो। बस वेबकैम की लोकेशन सेट कर दो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। अब चाहो तो 60 FPS के या 120 FPS में भी गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो, जो बहुत ही स्मूथ होता है। फिर जो आपने ओपी गेम प्ले रिकॉर्ड किया है उसे और भी ज्यादा मजेदार बनाते हैं एडिटिंग के साथ। तो सबसे पहले तो सारा बोरिंग पार्ट कट कर लो, वरना आपका वॉच टाइम कम हो जाएगा। देन थोड़े बहुत इफेक्ट्स डालना शुरू करो, लाइक ट्रांजिशंस या किसी क्लिप को जूम करना, स्पीड अप करना, वो सब कर लो। अब मैं इफेक्ट्स पैक डाउनलोड कर सकता हूं जिसमें बढ़िया बढ़िया टाइटल्स, लोअर थर्ड्स एंड एलिमेंट्स हैं। उन बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना इंट्रो बना लो वीडियो का, बस टेक्स्ट चेंज करना है और कुछ नहीं। उसी तरह सब्सक्राइब वगैरह का बटन भी डाल दो एंड इस प्रोजेक्ट को हाई सेटिंग पे एक्सपोर्ट करो या डायरेक्ट अपने यूट्यूब पे साइन इन करके अपलोड कर दो। तो जाओ यार चेकआउट करो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पर वीडियो देखने के बाद। स्पीड रनिंग आजकल बहुत पॉपुलर चीज है जिसमें लोग किसी गेम को सबसे कम टाइम में करने की कोशिश करते हैं एंड ऐसे ही GTA 5 की स्पीड रनिंग के भी ढेरों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रखे हैं, जिसमें जो लेटेस्ट है वो बनाया है रेयर एसआर नाम के ट्विच स्ट्रीमर ने। उसने पूरे गेम को सिर्फ 5 hours 49 minutes and 4 seconds के अंदर खत्म कर दिया, जो कि इनसेन है। किसी एवरेज बंदे को इसे कंप्लीट करने में 15 से 20 घंटे लगेंगे ही, लेकिन स्पीड रनर्स हजारों घंटे लगाते हैं गेम में, जिससे इन्हें हर मिशन के ऑब्जेक्टिव तक जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता पता लग जाता है, कौन सा एनिमी कहां से आएगा वो भी पता लग जाता है एंड इवन के होने वाला वो सब डट जाता है क्योंकि इतनी बार खेल चुके हैं गेम को। इनके गेम प्ले को देखने में मजा भी बहुत आता है क्योंकि हर बार हमारे मन में यही आ रहा होता है कि अच्छा इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी रास्ता निकल सकता है। काफी अमेजिंग गेम प्ले होते हैं इन प्रोस के और स्पीड रनिंग का काम बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव भी है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास था, वो था यूट्यूबर जाओ के नाम से, जिसने इस गेम को 5 hours 49 minutes and 8 seconds में कंप्लीट किया था। मतलब दोनों रिकॉर्ड में सिर्फ 4 seconds का अंतर है। इतना टाइम तो मेरे GTA का प्लेयर जमीन पे गिर के उठने में ही ले लेता है और हो सकता है कि पब्लिश होने के बाद और भी नए रिकॉर्ड्स बन जाए। इसलिए आप चाहो तो speedrun.com/GTA5 पे जाकर चेकआउट कर सकते हो कि लेटेस्ट रिकॉर्ड कितने टाइम का है। मैंने आपको पहले भी बता रखा होगा कि GTA 5 के डायरेक्टर मोड एंड रॉकस्टार एडिटर का यूज करके आप फिल्म्स तक बना सकते हो एंड 12 अप्रैल 2015 को रॉकस्टार ने 8-bit नाम के फिल्म मेकर ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके दुनिया की पहली ऐसी वीडियो बनाई थी जो पूरी तरह GTA 5 के रॉकस्टार एडिटर में बनी थी। उस 2 minutes की वीडियो में ट्रेवर मेन हीरो था एंड उसे रॉकस्टार गेम सोशल क्लब एंड यूट्यूब पे अपलोड किया गया था। उस वीडियो में काफी बढ़िया सिनेमैटिक एंगल्स एंड लाइटिंग का यूज किया गया था जो सही में अच्छी लग रही थी देखने में। ये वीडियो अभी भी फैन फेवरेट एंड टॉप GTA 5 मशीन इमेज में आती है। उस टाइम पे तो मोस्ट पॉपुलर रॉकस्टार एडिटर GTA 5 वीडियो भी बन गई थी, पर अब तो खैर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि GTA 5 का यूज करके फिल्म्स बना रहे हैं, जिन्हें मशीन इमेज भी कहते हैं। इन्हीं फिल्म मेकर ने गनशिप के साथ कोलैबोरेट करके एक म्यूजिक वीडियो भी बनाई थी जिसका नाम था माउंटेन एंड वो पहली ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बन गई थी जिसे GTA 5 के रॉकस्टार एडिटर का यूज करके बनाया गया था। आपको पता ही है कि हम GTA ऑनलाइन के अंदर बहुत सी जॉब्स कर सकते हैं जिनमें मिशन आते हैं, गैंग फाइट्स आती हैं,
स्टेडियम मैचेस एंड रेसेस भी हैं। रॉकस्टार गेम्स ने प्लेयर्स को खुद की जॉब बनाने की भी फ्रीडम दे रखी है, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आई मीन लोग अपनी जॉब बना के, यानी कि अपने खुद के चैलेंजेस एंड मिशंस डिजाइन करके जीटीए कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही एक जॉब है ऑब्स्टिकल वॉट के नाम से, एंड इसका नाम गिनीज में इंक्लूड किया गया फॉर द मोस्ट पॉपुलर यूजर क्रिएटेड जॉब इन जीटीए ऑनलाइन। इसे GSXR01571 नाम के यूजर ने बनाया था, एंड ये एक रेस है एक्चुअली, जो कि काफी डिफिकल्ट भी है क्योंकि इसमें बहुत सी जंप्स, ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकेट्स आते हैं। ये इतनी ज्यादा चैलेंजिंग है इसलिए ये पॉपुलर भी है क्योंकि लोग इसे बार बार खत्म करने की कोशिश करते हैं। 10th मार्च 2015 तक इसे 28.6 मिलियन टाइम्स खेला गया था और इस पे 5.1 मिलियन लाइक्स भी हैं। लेकिन अब इसे आप नहीं खेल सकते क्योंकि रॉकस्टार गेम्स रेगुलरली पुरानी रेसेस हटाता रहता है एंड नहीं डालता रहता है। फिर भी बड़ी मुश्किल से मुझे 6 साल पुराना गेम प्ले मिला है इस रेस का। कुछ लोग रेसेस बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं तो कुछ लोग रेसेस में जीत कर। 2021 के जुलाई के महीने में एक क्लिप वायरल हुई थी इंटरनेट में, जहां एक बंदे ने जीटीए ऑनलाइन में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था। प्रोडिगी एसके ने रेडिट पे एक वीडियो शेयर करी जिसमें उसने स्ट्रीट रेस को सबसे कम टाइम में कम्प्लीट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था। मतलब गेम ने खुद कहा था कि यू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर रेस को पूरी दुनिया में सबसे कम टाइम में इस बंदे ने कम्प्लीट किया है। आजकल इतने ज्यादा लोग जीटीए ऑनलाइन खेलते हैं और ऐसे में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना सही में बड़ी बात है, क्योंकि ने रेस को सिर्फ 1 मिनट और 13 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया। पर मिला क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ $6,000। एंड इसलिए रेडिट पे बहुत लोग कह भी रहे थे कि यार रॉकस्टार को ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने पर कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, जैसे कि $1 मिलियन दे दे गेम में या फिर एक नई कार ही दे दे, वरना नॉर्मल जीतने वाले में और रिकॉर्ड सेट करने वाले में फर्क ही क्या रह जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की मैं बात करने वाला हूँ वो तो सही में होश उड़ाने वाला है। आई मीन कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कभी होगा। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि GTA 5 एक साल में लगभग $6 बिलियन तक कमा लेता है, पर आपको पता है कि जब ये गेम 2013 में 7 सितंबर को रिलीज हुआ था ना, तो ये फास्टेस्ट एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट टू रीच $1 बिलियन का रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिया था, क्योंकि इसने 20th सितंबर तक यानी कि सिर्फ 3 दिन में $1 बिलियन कमा लिए थे। मतलब रॉकस्टार ने पिछले 4-5 साल में जितना खर्चा किया उसका 3 गुना तो इसने 3 दिन में ही कमा लिया। ऐसा किसी और मूवी या गेम या किसी एंटरटेनमेंट आईपी के साथ नहीं हुआ था। इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना ही शायद सबसे ज्यादा मुश्किल है इवन रॉकस्टार के खुद के लिए, क्योंकि उसने खुद नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा कभी होगा। लोग जो है वो इसकी रिलीज के लिए रात रात भर रुके हुए थे, क्योंकि ये मिडनाइट में रिलीज होने वाली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इसकी डिस्क मिल जाए। और उस टाइम तो सिर्फ PS3 एंड Xbox 360 पे आ रहा था, तब ये आल था। पीसी वालों को तो तब खेलने को ही नहीं मिला, वरना ये रिकॉर्ड तो और भी बड़ा हो सकता था। और 2014 के आने तक पीसी गेमर्स बिल्कुल परेशान हो चुके थे, क्योंकि इतने महीने हो गए हैं पर फिर भी पीसी गेमर्स को GTA 5 खेलने को नहीं मिली है। ऊपर से पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद उन्हें कंसोल प्लेयर्स के टॉन्ट मिल रहे होंगे। इसलिए 2013 में गेम की रिलीज के बाद कनाडा के माइक जूलियर ने change.org पे एक पिटीशन स्टार्ट करी रॉकस्टार गेम्स से रिक्वेस्ट करते हुए कि GTA 5 को पीसी पर लाओ। उसने कहा कि ये शेम की बात है कि GTA 5 को मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया गया, तो इसलिए इसे पीसी पर रिलीज करो ताकि लोगों की जिंदगी में खुशहाली आए। ये पिटीशन इतनी पॉपुलर हो गई थी कि 11th जून 2014 तक इस पे अराउंड 7.2 लाख से भी ज्यादा सिग्नेचर्स आ गए थे, एंड ये पहले कभी नहीं हुआ था किसी वीडियो गेम के साथ, इसलिए इसे भी गिनीज में इंक्लूड किया गया फॉर मोस्ट सिग्नेचर्स फॉर अ वीडियो गेम पिटीशन के नाम से। फिर फाइनली 2015 अप्रैल में ये गेम रिलीज हुई पीसी पे, एंड जून तक ये मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड गेम भी बन गई थी। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 96% था, जो कि पहले Half-Life 2 एंड BioShock को दिया गया था। कि आप गेस कर सकते हो कि YouTube की मोस्ट वॉच GTA 5 वीडियो कौन सी होगी? मैं बताता हूँ, ये वीडियो का टाइटल है ऑसम GTA 5 स्टंट एंड फेल्स, और ये YouTube पर GTA 5 की नहीं बल्कि पूरी GTA सीरीज की मोस्ट वॉच YouTube वीडियो है। इसमें काफी सारे GTA 5 के स्टंट्स को कंपाइल किया गया है और फनी वे में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से इस पे आज की डेट में 106 मिलियन व्यूज हैं, और इसीलिए इस वीडियो को गिनीज में इंक्लूड किया गया था 15 फरवरी 2019 को। इसे बनाया रेड्डी के मॉन नाम के यूट्यूबर ने, जो पहले ऐसे यूनिक स्टंट के वीडियोस डालता था, पर वो पिछले 6 साल से इनएक्टिव। ये वीडियो भी 2015 में पोस्ट की गई थी। उस टाइम पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाना सही में बड़ी बात है। एंड ये है ओजी GTA 5 यूट्यूबर। आपने GTA ऑनलाइन में कितने कमा रखे होंगे? $10 मिलियन, $100 मिलियन, $1 बिलियन? अरे एक बंदे ने गेम में $17 ट्रिलियन कमा रखे हैं। इस बंदे का नाम है रिक्वेल आरजे, जिसने एक्सबॉक्स पर इस रिकॉर्ड को बनाया, जिसका मतलब मॉडिंग भी नहीं कर पाया होगा, जो कि इनसेन है। इसके लिए इसे 20th फरवरी 2017 को गिनीज में इंक्लूड किया गया था, एंड अब तक न जाने इसने और कितने कमा लिए होंगे गेम के अंदर। मतलब गेम में $1 मिलियन कमाना ही इतना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सप्लाईज वगैरह कर रहे हो तो उससे भी नहीं हो पाता, और अगर हाइस्ट करके पैसे कमा रहे हो तो एक टाइम बाद बोर हो जाओगे। लेकिन इस बंदे ने तो जान ही लगा दी पूरी। मतलब इसने कितना ज्यादा खेला होगा गेम को, शायद आधी जिंदगी लगा दी होगी गेम में, तभी तो कमा पाए $1 ट्रिलियन में। मतलब $17 ट्रिलियन सही में बहुत बड़ी अमाउंट है। जब ये गेम रिलीज हुआ था तो पिछले वालों से बहुत डिफरेंट था, एंड इसने सेल्स रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ और भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे,
लाइक इसमें किसी भी GTA गेम के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा व्हीकल्स थे। रिलीज के टाइम 217 व्हीकल्स थे जिसमें कार्स, ट्रक्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, बोट्स सब आती हैं। एंड फिर 2014 में जब इसे PS4 एंड Xbox One पे री रिलीज किया गया तब इसमें 257 व्हीकल्स आ गए थे, इसलिए इसे 7th मई 2015 को मोस्ट व्हीकल्स इन अ GTA गेम का रिकॉर्ड भी मिला है। एंड गाइस यही थे वो टॉप 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो कि GTA 5 में सेट हुए हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।